मुफ़ख़्खर अदील केस की तफ्तीश में नया मोड़। शहबाज सतला के कत्ल होने का इंकशाफ, कत्ल हुआ लेकिन सबूत न मिल सके। ज़ेर हिरासत मुलजिम असद भट्टी के इंकशाफात पर तफ्तीश, एक वक्त से कत्ल के जावियों पर शुरू। मुलजिम की निशानदही पर फॉरेंसिक शवाहिद की दोबारा चेकिंग, तीसरी बार भी ठोस शवाहिद हाथ न लग सके। जाए वकूआ को धोने की वजह से अहम शवाहिद जाया हो जाने का खदशा। पंजाब पुलिस एसएसपी मुफ़ख़्खर अदील को बचाने में मसरूफ। 14 फरवरी को सीपीओ क्लोज करने के बावजूद मुफ़ख़्खर अदील का तबादला दबाए रखा। आईजी ने 14 फरवरी को मुफ़ख़्खर अदील को सीपीओ क्लोज करके महबूब रशीद बटालियन कमांडर 4 को बटालियन कमांडर 1 का इजाफी चार्ज दिया था। एसएसपी मुफ़ख़्खर अदील 11 फरवरी से दफ्तर से गैर हाजिर थे। यंग डॉक्टर्स के तहफ्फुज़ात नज़रअंदाज, हुकूमत का एमटीआई एक्ट मुकम्मल शक्ल में नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने एमटीआई एक्ट को मुकम्मल तौर पर लागू करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला महकमा सेहत पंजाब से तफसीलात तलब। एमटीआई एक्ट का निफाज ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज के बायस मुअख्खर किया गया था। डॉक्टर्स ने हुकूमत को मुतालिबात के लिए एक हफ्ते का वक्त दे दिया। एक हफ्ते बाद मुतालिबात मंजूर ना हुए तो तहरीक चलाएंगे। यंग डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत है। मरीज अपना सारा गुस्सा डॉक्टर्स पर निकालते हैं। कैंसर के मरीज रुल रहे हैं। मौजूदा हुकूमत डॉक्टर्स के लिए विलन है। आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो कुर्सी से क्यों चमती है। हम अद्वियात की वजह से हड़ताल नहीं कर रहे। इसहाक डार ने अपनी रिहायशगाह को पनाहगाह बनाने में आमादगी जाहिर कर दी। बोले अदालती मामला निमटते ही इसे पनाहगाह में तब्दील कर दूंगा। साबिक वज़ीर खजाना का वीडियो पैगाम में ऐलान, बोले हुक्मरान सिर्फ मर्जी के फैसले कर रहे हैं। रियासती दहशतगर्दी का सामना कर रहा हूँ और करता रहूँगा। इमरान खान ने रियासती इदारों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया। पीटीआई की हुकूमत कुछ अरसा मजीद रही तो मुल्क का पता नहीं क्या होगा। महकमा दाखिला ने नवाज शरीफ की जमानत मंसूख कराने के लिए कमेटी काम कर दी। कमेटी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर जमानत मंसूखी के लिए राय देगी। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत कमेटी के सरबराह होंगे। वजीर सेहत यास्मीन राशिद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा मेंबर होंगे। मरियम नवाज का नाम ECL से निकलवाने का केस। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स को मरियम नवाज के केस का हिस्सा बनाने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर। मरियम नवाज ने अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। रिपोर्ट में नवाज शरीफ की कोरोनरी एंजियोग्राफी जल्द अज जल्द करवाने की सिफारिश की गई। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की जमानत मंसूखी के लिए पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। ट्रायल कोर्ट ने मेरिट पर जमानत मंजूर की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से सैयद फरहाद अली शाह एडवोकेट के दलाल। पंजाब यूथ फेस्टिवल करप्शन केस में राणा मशहूर की आज नैब तलबी, लेकिन रहनुमा का मसरूफियात के बायस आज नैब पेश न होने का फैसला। अगली तारीख देने की सदा। दूसरी जानिब अदालत ने नैब तलबी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। राणा मशहूर को नैब से तआवुन करने की हिदायत। रावण ने लकड़ियां चुराने के तनासे पर शहरी काफिले आस मोहम्मद को अब्दुल गफूर ने डंडों के वार करके कत्ल किया। पुलिस ने लाश मुर्दा खान में मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजमान मौके से फरार, वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लोअर मॉल घोड़ा अस्पताल के करीब दिन दहाड़े डाकुओं ने मियां बीवी को लूट लिया। शहरी राणा अयूब बैंक से 3.5 लाख निकलवाकर घर जा रहा था। वारदात के फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं को बैंक से ही शहरी का पीछा करते देखा जा सकता है। उधर बरकी के इलाके में डाकुओं ने कार सवार शहरी को लूट लिया। बरकी में डकैती की फुटेज भी मौसूल। डाकू गन प्वाइंट पर कार सवार शहरी से मोबाइल और नकदी लूट कर फरार। हुकूमत और जिला इंतजामिया ने शहरी को आवारा कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया। 24 घंटों के दौरान आवारा कुत्तों ने मजीद 107 शहरियों को काट लिया। डेढ़ माह में आवारा कुत्तों के काटने के केसेस 3000 से तजावुज कर गए। टीपा ने पार्क एंड शॉप अरीना प्रोजेक्ट को तजुर्बागाह बना दिया। नाकिस प्लानिंग, टीपा की अदम दिलचस्पी से LDA को 50 करोड़ का धसका। अरीना की लागत बढ़ते बढ़ते 1 अरब 50 करोड़ से 2 अरब 9 करोड़ तक जा पहुंची।
दीपा के इब्तदाई प्लान और डिजाइन में मुतअद्दिद खामियां सामने आईं। गवर्निंग बॉडी के इजलास में दूसरी मरतबा नजर सानी की मंजूरी ली जाएगी। ऑरेंज लाइन मंसूबे में शालामार बाग की खूबसूरती मुतासर होने का मामला, एलडीए ने जेर जमीन ट्रांसमिशन लाइन के लिए लेस्को को 30 करोड़ के फंड जारी कर दिए। लेस्को ने मुशावरत के बाद जेर जमीन ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का फैसला किया था। लेस्को अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए टेंडर जारी करेगी। नहर किनारे 64 दरख्त काटने की इजाजत किसने दी? अदालत का सरकारी वकील से इस्तफसार। तरक्याती मंसूबे बनाते वक्त दरख्तों के तहफ्फुज़ का क्यों नहीं सोचा जाता? पैसे दरख्तों का मुतबादल कैसे हो सकते हैं? किनाल रोड पर दरख्त काटने के खिलाफ केस की समाप्त। चीफ जस्टिस मामूर रशीद शेख के रिमार्क्स। DGPHA जाती हैसियत में तलब। लेस्को को ताहुक में सानी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने से रोक दिया। गुलबर्ग में राजी की निशानदेही न करने के केस की समाप्त। हाईकोर्ट में पेश होने पर DC लाहौर दानिश अफजाल के वारंट गिरफ्तारी वापस ले लिए कर दिया है। सरकारी वकील का अदालत में जवाब। अदालत ने मजीद समाप्त आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। घरेलू मुलाजमीन के मालिकान का मामला, मसाइल हल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट एक्ट से मदद लेने का फैसला। शहरी इलाकों में नेबरहुड काउंसिल का सरबरा मसाइल के हल का जिम्मेदार होगा। दही इलाकों में पंचायत का सरबरा घरेलू मुलाजिम और मालिकान के मसाइल हल करेगा। कम अज कम उजरत बोर्ड को घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाहों का चार्ट बनाने की हिदायत। शहर में महंगाई का जीन बेकाबू। हुकूमत के तमाम दावों के बावजूद महंगाई कंट्रोल न हो सकी। मार्केट बाजारों से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गायब। सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला जारी। लहसुन अदरक 400 से 450 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। प्याज 10 से 20 रुपए महंगा, कीमत 80 से 100 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग का हॉल रोड से मुतसिल गुजर गली में छापा। गोदाम से स्मगल शुदा सुपारी की भारी खेप कब्जे में ले ली। गोदाम से बरामद होने वाली सुपारी की मादियत 3 करोड़ रुपए है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास कल 11 बजे तलब। 22 नकाफी एजेंडा सिटी 42 को मौसूल। कल मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के किरान को हतमी शक्ल और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तंजीम नौ की मंजूरी दी जाएगी, जबकि पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने पर भी गौर होगा। ऑरेंज ट्रेन का किराया कम या ज्यादा, महकमे खजाना और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डट गए। वज़ीर आला ने ऑरेंज ट्रेन का 40 रुपए किराया मुकर्रर करने का इंदिया दिया। खजाना और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किराया 50 रुपए करने के मुतमन्नी। काबीना कल सर जोड़ेगी, अवाम की किस्मत का फैसला किया जाए। पंजाब में प्राइवेट जामियात के गैर कानूनी सब कैंपसेस के मुतालिक अहम फैसला। प्राइवेट जामियात के तमाम सब कैंपसेस बंद करवाने की पॉलिसी तैयार। प्राइवेट जामियात को आइंदा सब कैंपस बनाने की इजाजत नहीं होगी। सब कैंपसेस में जेरे तालीम तलबा को मेन कैंपस में मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान पोस्ट के बिजनेस को बढ़ाने का फैसला। महकमों को कागजात की तरसील पाकिस्तान पोस्ट से करने की हिदायत। हुकूमत का कागजात की तरसील के लिए कौमी इदारे को नजरअंदाज करने का नोटिस। प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट की जानिब से एविएशन डिवीजन को मुरासला जारी। गाड़ियां खरीद कर गोशवारों में जाहिर न करने वाले 1200 अफराद को नोटिस। साल 2016 तथा साल 2018 के दौरान गाड़ियां खरीदने वालों को नोटिस भिजवाए गए। गाड़ियां खरीदने के लिए रकम कहां से आई? FBR ने 15 रोज में जवाब तलब कर। लाहौर में चलने वाली KPK नंबर प्लेट वाली गाड़ियां भी कानून शिकनी पर चालान होंगी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने ई चालान का दायराकार बढ़ा दिया। सेफ सिटी ने एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा से गाड़ियों का डेटा हासिल कर लिया। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत जुर्माने जारी।
फील्ड अफसरान आवाम के साथ साथ आईजी को भी नजरअंदाज करने लगे। अफसरान भिजवाए जाने वाले मरासमों को चेक करना तो दूर, दस्तखत करना पसंद नहीं करते। अफसरान अहम डेटा और हसास मरासले भी मातहत अमलों पर छोड़ देते हैं। आईजी ने आइंदा मरासमों को खुद चेक और दस्तखत करने का हुक्म दे दिया। आईजी शुएब दस्तगीर ने ट्रैफिक सेक्टर न्यू अनाकली के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। आईजी ने इफ्तिताह के बाद मुख्तलिफ शोबों की वर्किंग का जायजा लिया। चालान पेमेंट की अदायगी के लिए ई पेमेंट ऐप मुतारिफ करवा दी है। सीटीओ की आईजी को ब्रीफिंग। लाहौर से मुल्तान के लिए बुक करवाई गई सीट के बावजूद सहूलत न मिलने का मामला, बिलाल ट्रेवल सर्विस बकर मंडी के जीएम और मैनेजर के खिलाफ हट जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने बिलाल ट्रैवल सर्विस के जनरल मैनेजर और मैनेजर को 5 मार्च को तलब कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 10 बिल्डिंग इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स की उखाड़ पछाड़। बिल्डिंग इंस्पेक्टर ताहिर हफीज को अजीज भट्टी जोन से शालामार जोन, मोहम्मद इरफान को गुलबर्ग शोबा प्लानिंग में तैनात कर दिया गया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर बिलाल अहमद और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर। पीएचए का वजू के पानी को ग्रीन बेल्ट के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा, पीएचए ने महकमे खजाना से 25 करोड़ रुपए मांग दिए। फंड से बड़ी मसाजिद का वजू का पानी महफूज करने के लिए टैंक तामीर किए जाएंगे। सेशन कोर्ट में कायम ई लाइब्रेरी ने बाकायदगी से काम शुरू कर दिया। सेशन कोर्ट के तमाम जजेज ई लाइब्रेरी से इस्तफादा कर रहे हैं। रोजाना 20 से 25 अदालती फैसले ईमेल के जरिए जजेस को दिए जा रहे हैं। सेशन जज लाहौर ने एडिशनल सेशन जजेस का मोबाइल पर ग्रुप भी बना दिया। लाहौर आने और जाने वाली 11 परवाजें मुतासिर, 7 मंसूख और 4 ताखीर का शिकार हुई। दमाम से आने और जाने वाली दोनों परवाजें मंसूख, कराची और जद्दा जाने और आने वाली परवाजें भी उड़ान न भर सकी। फिजाई मुसाफिर परेशान। समुद्री से 2 साबिक अराकीन असेंबली मजहर अली गिल, आरिफ महमूद गिल काफलीग में शामिल। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। बल्दियाती इलेक्शन काफलीग के प्लेटफॉर्म से लड़ने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगु, बोले मुस्लिम लीग काफ ने बल्दियाती नुमाइंदगान के जरिए अवाम की खदमत की है। शहर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज पहला दिन, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आज पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। मुहिम में 5,000 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। 5 साल से कम उम्र 18 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। डीसी दानिश अफजाल की जीरो हाउसेज लॉकेट हाउसेज पर खसूसी फोकस करने की हिदायत। वहदत कॉलोनी में वज़ीर हाउसिंग मियाँ महमूद रशीद ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुझे खुद को ब्रिटिश पाकिस्तानी और ब्रिटिश मुस्लिम कहलवाने पर फख्र होता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गुरबत में जिंदगी गुजारी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के कॉन्वोकेशन से खिताब, बोले मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तर्ज हुक्मरानी को फॉलो करें। गवर्नर पंजाब का चांसलर हार्डशिप स्कॉलरशिप फंड कायम करने का ऐलान। कॉन्वोकेशन में 9,220 तलबा तालिबात को डिग्री दी गई। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास की सदारत की। इजलास में हस्पतालों में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तमाम तरक्याती मंसूबों को मुकर्रर वक्त में हर सूरत मुकम्मल किया जाए, डॉक्टर यास्मीन राशिद की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर की अरशद रजा के घर आमद। लीगी रहनुमाओं ने साबिक वाइस चेयरमैन अरशद रजा के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी की गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस की कैंट में आगाही मुहिम, सीटीओ लियाकत मलिक ने ट्रैफिक कानून से मुतालिक आगाही मुहिम का इफ्तिताह किया। एजुकेशन टीम के हमराह शहरियों में पंपलेट्स और फूल भी तकसीम किए गए। आगाही मुहिम में एपीएस स्कूल के बच्चों की खुसूसी शिरकत। जनरल अस्पताल को इंफेक्शन फ्री बनाने के लिए लोगों की तकरीबें रुनुमाई। प्रिंसिपल पीजीएमआई प्रोफेसर अलफरीद जफर, एमएस डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन समेत दीगर की शिरकत। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल बोले इलाज मुआवजे की बेहतरीन फराहमी के लिए जरासीम से पाक माहौल इंतहाई अहम है। क्वीन
मैरी कॉलेज में 111वें सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद। स्पोर्ट्स डे में नामवर स्विमर किरण खान की बतौर मेहमानों खसूसी शिरकत। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर इरफाना मरियम भी तकरीब में शरीक। तालिबात ने मार्च पास्ट और सलामी पेश की। कराटे रेस और जिमनास्टिक के शानदार मुजाहरे किए गए। और सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए नया रिजल्ट कार्ड जारी। नया रिजल्ट कार्ड साल 2020 से बच्चों को दिया जाएगा। नई रिपोर्ट कार्ड में निसाबी सरगर्मियों का खाना रखा गया, होमवर्क, खेलों में शमूलियत और असातिज़ा से मेल जोल का खाना भी रखा गया। रिजल्ट कार्ड में बच्चों के नंबरों के साथ ग्रेडिंग भी की जाएगी।